हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ jagranjoshi.com। क्लास 10th में इंग्लिश सब्जेक्ट को सबसे इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में से एक माना जाता है। इस सब्जेक्ट में अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखें और थोड़ी सी मेहनत कर लें तो आसानी से 90% के ऊपर स्कोर हासिल कर सकते हैं। आज इस वीडियो के द्वारा मैं कुछ इंपॉर्टेंट लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप्स देने जा रहा हूँ जिनकी मदद से आप बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। क्लास 10th के ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास इंग्लिश कम्युनिकेटिव सब्जेक्ट होता है, इसलिए हमने इस सब्जेक्ट के सिलेबस को रेफरेंस मानकर टिप्स दिए हैं। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारियाँ CBSE के लेटेस्ट सैम्पल पेपर, मार्किंग स्कीम और लास्ट ईयर के सब्जेक्ट टॉपर जिसने 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स हासिल किए थे उसकी आंसर शीट को एनालाइज करके यहाँ बताई हैं। इन सभी रिसोर्सेज को डाउनलोड करने के लिए लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखे हैं, आप उन्हें चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आइए इस सब्जेक्ट से जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें और टिप्स जानने से पहले एक नज़र इसके पेपर पैटर्न पर डाल लेते हैं। इंग्लिश कम्युनिकेटिव सब्जेक्ट में 80 मार्क्स का पेपर बोर्ड एग्जाम में आता है। पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए रीडिंग जो 20 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर जो 30 मार्क्स का होता है और सेक्शन सी लिटरेचर जो 30 मार्क्स का होता है। ये 80 मार्क्स का पेपर हल करने के लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं। इसके अलावा आपको पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट्स मिलते हैं। आप चाहें तो किसी भी सेक्शन से पेपर हल करना स्टार्ट कर सकते हैं, मगर सेक्शन के अंदर क्वेश्चन का ऑर्डर सही होना चाहिए। तो ये तो था इस सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं इस सब्जेक्ट की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स। इस पेपर में सेक्शन भी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम शुरुआत वहाँ से करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि CBSE बोर्ड एग्जाम में आंसर की चेकिंग के दौरान हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, इस सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चंस में आंसर्स लिखने के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन स्टेप्स के मार्क्स हैं, ये सभी बातें आपको CBSE के सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम को देखकर पता चलेंगी। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। स्क्रीन पर आप CBSE का लेटेस्ट सैंपल पेपर देख रहे हैं। सेक्शन बी के 8 नंबर के इस क्वेश्चन के लिए आपको 100 से 120 वर्ड्स के बीच में एक लेटर लिखना है। आइए अब CBSE मार्किंग स्कीम की मदद से जानते हैं कि आंसर लिखने के दौरान किन किन स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। मार्किंग स्कीम के अनुसार लेटर के सही फॉर्मेट के लिए 1 नंबर मिलते हैं। इसमें स्क्रीन पर हाईलाइटेड चीज़ें सही जगह पर प्रेजेंट होनी चाहिए, जैसे सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट या हेडिंग, सैल्यूटेशन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। आपको ये 1 मार्क तभी मिलेगा जब आपने पूरा लेटर लिखा हो, सिर्फ फॉर्मेट का कंटेंट लिखने के लिए मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके बाद लेटर के अंदर कंटेंट के लिए 4 मार्क्स, एक्यूरेसी के लिए 1.5 मार्क्स और फ्लुएंसी के लिए 1.5 मार्क्स मिलते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, सारी बातें आपको पूरा सैंपल पेपर और उसकी मार्किंग स्कीम देखने पर मिलेंगी। क्वेश्चन के आंसर कंटेंट कैसा होना चाहिए, उसका सही फॉर्मेट क्या है, ये सभी बातें आपको CBSE द्वारा इशू की गई टॉपर्स आंसर शीट या मॉडल आंसर शीट देख करके समझना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए स्क्रीन पर आप लास्ट ईयर के सब्जेक्ट टॉपर की आंसर शीट देख रहे हैं। उसे इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के पूरे मार्क्स मिले हैं। देखिए उसने क्या फॉर्मेट फॉलो किया है और अपने आंसर में क्या कंटेंट लिखा है। आपको भी यही चीज़ें अपने आंसर लिखने के दौरान फॉलो करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस और फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स और लेटेस्ट सैंपल पेपर से अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो आपको एग्जाम में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो थी सेक्शन बी की तैयारी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। अब बढ़ते हैं सेक्शन ए की ओर। सेक्शन ए है रीडिंग स्किल्स। इस सेक्शन में आपको अनसीन पैसेजेस मिलेंगे और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे। इस सेक्शन को स्पीड से हल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने पेपर पढ़ने के लिए शुरुआत में मिले 15 मिनट्स को अच्छे से यूटिलाइज किया हो। क्वेश्चंस के आंसर आप टू द पॉइंट दें और इस बात का खास ध्यान रखें कि आपसे कोई ग्रामेटिकल एरर या स्पेलिंग एरर ना हो। इस सेक्शन में आप तभी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे जब आपने एग्जाम से पहले इस सेक्शन के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करी हो। अब बढ़ते हैं लास्ट सेक्शन की ओर, जो है सेक्शन सी लिटरेचर। इस सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सभी चैप्टर्स की समरी याद हो। इस सेक्शन की बेहतर तैयारी के लिए आप पुराने 10 साल के पेपर से प्रैक्टिस जरूर करें, तभी आप इस सेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये तो थे इस सब्जेक्ट की तैयारी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियोज़ देखने के लिए jagranjoshi.com को सब्सक्राइब करें।